स्टूडेंट माइसर छाया यादव दिस वीडियो इज रिलेटेड टू एल एल बी ऑनर्स सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फोर लेक्चर थ्री पार्ट टू टॉपिक है सेटलमेंट्स बॉम्बे एंड कलकत्ता लेक्चर थ्री पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था सूरत एंड मद्रास सेटलमेंट्स और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट्स बॉम्बे एंड कलकत्ता एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूँ कि इस टॉपिक पर अभी तक यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है देखिए वॉट वॉज द जुडिशियल सिस्टम ऑफ कलकटा अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट टाइप ऑफ जुडिशियल सिस्टम वॉज सेटअप बाय द ब्रिटिश इन प्रेसिडेंसी टाउन तो आप देखिए कि सेटलमेंट्स जो बॉम्बे एंड कलकटा है उस पर कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं दूसरी चीज़ कि जो सेटलमेंट्स है इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है तो मैं आपको बता दूं कि टोटल थ्री प्रेसिडेंसीज हैं ठीक है बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता पूरे ब्रिटिश डेवलपमेंट में आप इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसीयो में देखेंगे कि क्या अपॉलिश किया गया क्या इस्टैब्लिश किया गया कौन सा कोर्ट कहाँ इस्टैब्लिश किया गया और रही बात सूरत फैक्ट्री की तो सूरत में जो सूरत की इम्पॉर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि वहाँ पर सबसे पहली फर्स्ट फैक्ट्री इस्टैब्लिश की गई थी फिर जब बॉम्बे धीरे धीरे ग्रोथ करने लगा तो वहाँ से जो फैक्ट्री है जो ऑफिसज़ हैं वो सब ट्रांसफ़र कर दिए गए कहाँ बॉम्बे में तो इस तरीके से हम लोग जब देखते हैं कि जो ब्रिटिश डेवलपमेंट हुआ है वो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में कैसे हुआ है किस तरीके से इनका ग्रोथ हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन सेटलमेंट्स में पढ़ते हैं इसलिए सेटलमेंट्स की इम्पोर्टेंस है ये अगर आप पढ़ लोगे तो आगे की चीज़ें आपको खुद कनेक्टेड है एक दूसरे से कि आप इसमें 1726 का चार्टर भी देखोगे 1753 का चार्टर देखोगे फिर कैसे कहाँ पे जैसे 1687 जब आप मद्रास प्रेसिडेंसी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे देखें कि किस तरीके से वहाँ मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है तो ये जब आपका ये बेस है कि जब आप सेटलमेंट्स में देखते हो कि बॉम्बे में कैसा डेवलपमेंट हुआ कलकत्ता में कैसे हुआ तो ये चीज़ें आप कनेक्ट कर पाते हो ठीक है तो ये इसकी इम्पॉर्टेंस है चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉम्बे प्रेसिडेंसी ठीक है स्टूडेंट्स तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है उसका ग्रोथ कैसे हुआ तो द ग्रोथ ऑफ़ जुडिशियल सिस्टम इन बॉम्बे जब हम बॉम्बे में जुडिशियल सिस्टम का ग्रोथ देखते हैं तब हम ये मार्क करते हैं हम ये रियलाइज़ करते हैं कि टोटल थ्री स्टेजेस में जो है यहाँ की जुडिशियल ग्रोथ हुई है ठीक है फर्स्ट स्टेज क्या है 1668 सिक्सटी एट टू सिक्सटीन एंड सेकेंड जो स्टेज है वो 1684 एटी फोर टू सिक्सटीन है एंड लास्ट जो थर्ड स्टेज है सेवनटीन ऐटी टू सेवेंटीन तो इस तरीके से जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ बॉम्बे में तो नेक्स्ट पॉइंट ये दिमाग में आता है कि मेनी सिमिलरिटीज ठीक है मेनी सिमिलरिटीज इन द ग्रोथ ऑफ़ जुडिशियल सिस्टम बिटवीन मद्रास एंड बॉम्बे तो जब आप यहाँ देखोगे कि, कि किस तरीके से सिमिलरिटीज हैं बॉम्बे एंड मद्रास में जो जुडिशियल सिस्टम का ग्रोथ हो रहा है तो उसमें हम लोगों को मैक्सिमम चीज़ें जो है वो सेम दिखती हैं ऐसे ही अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ जस्टिस की बात करें तो बॉम्बे में भी सेम वही प्रॉब्लम आई जो मद्रास में आ चुकी थी मतलब कि बॉम्बे भी सफर्ड किया किससे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के पॉइंट से इसने बहुत सी वीकनेस ठीक है अनसर्टेनिटीज़ जो है वो फेस की थी तो इस तरीके से हमने देखा कि मद्रास और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेके या जो इनका जो डेवलपमेंट है जिस तरीके से टोटल थ्री स्टेजेस में हुआ है तो चलिए अब फर्स्ट स्टेज हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर है तो अगर मैं बॉम्बे की बात करूँ तो बॉम्बे स्टार्टिंग टाइम पीरियड पर जब वो ग्रो कर रहा था उस वक्त वो मत, सूरत प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में था ठीक है तो जितने भी उसके सब्जेक्ट थे बॉम्बे के वो किसके कंट्रोल में थे सूरत प्रेसिडेंसी के इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप सूरत प्रेसिडेंसी पढ़ चुके हो ठीक है तो आपने लास्ट में जब कंक्लूजन में यह ध्यान दिया होगा कि सूरत प्रेसिडेंसी के जो ऑफिसज हैं वो ट्रांसफ़र किए गए कहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए बॉम्बे ठीक है तो जब वहाँ बॉम्बे ट्रांसफ़र किए गए तो ऑफ़कोर्स स्टार्टिंग में जो है वो सारा कंट्रोल सूरत प्रेसिडेंसी के पास होगा ठीक है और यहाँ का हेड इंचार्ज कौन था गवर्नर एंड काउंसिल यहाँ पर हेड इंचार्ज थी और यहाँ पे आप जो और नेक्स्ट पॉइंट देखते हो कि द फर्स्ट जुडिशल सिस्टम वॉज इस्टेबलिश ऑन द आइसलैंड इन 1670 ठीक है 1670 में ये फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इंटू टू डिवीज़न्स अब यहाँ से हम लोग को समझना है ठीक है बेसिक आपने देख लिया कि मद्रास की तरह डेवलपमेंट दिखता है हमको और दूसरी चीज कि स्टार्टिंग में बॉम्बे किसके कंट्रोल में था तो सूरत प्रेसिडेंसी के कंट्रोल में था हेड कौन था गवर्नेंट काउंसिल हेड है लेकिन अब बॉम्बे का जो जुडिशल सिस्टम है वो कैसे गवर्न हो रहा था तो आप देखिए कि बॉम्बे वॉज डिवाइडेड इनटू टू टू डिविजन्स कौन कौन से डिविजन्स अब यहाँ पर बॉम्बे को उन्होंने दो डिवीज़न में डिवाइड कर दिया सर आप कह सकते हो कि ये डिवीज़न कोर्ट कह सकते हो कि यहाँ पे टोटल टू डिवीज़न कोर्ट्स हैं और कोर्ट कंसिस्टेड ऑफ फाइव जजेस वॉज़ इस्टेब्लिश इन ईच ऑफ दिस डिवीज़न कि जो दो डिवीज़न आप देख रहे हो बॉम्बे का इन दोनों डिवीज़न में मतलब कि एक डिवीज़न में फाइव जजेस एंड एक डिवीज़न में फाइव जजेस तो टोटल टेन जजेस जो हैं वो बॉम्बे में थे तो जो बॉम्बे को डिवाइड किया गया है और टोटल यहाँ पे टू डिविज़न्स देख रहे हैं आप पे तो ये एक तरीके से कोर्ट के लिए ही डिवीज़न किया गया है ठीक है और यहाँ पे जो ये कोर्ट है ये कौन प्रिसाइड करता था इट वॉज़ प्रिसाइडेड ओवर बाई द कस्टम ऑफिसर ये कस्टम ऑफिसर जो है वो इन जो डिवीजन कोर्ट है इसको प्रिसाइड करता था ठीक है दूसरी चीज़ की यहाँ पर इस कोर्ट में कुछ जो है वो इंडियंस भी थे सम इंडियंस वर ऑल्सो अपॉइंटेड टू दिस कोर्ट ठीक है दूसरी चीज़ कि यहाँ पे टोटल जो थ्री जजेस जैसे आपने देखा कि एक डिवीज़न कोर्ट में कितने मेंबर होने चाहिए मतलब जजेस तो फाइव जजेस होने चाहिए तो ये कोर्ट जो है वो कितने जजेस के होने पे वो वर्क कर सकता है तो जो कोरम है थ्री जजेस फॉर्म द कोरम ठीक है टोटल थ्री जजेस जो हैं इस कोरम को कंप्लीट करते थे और ये कैसे केसेस देखता था तो ये बहुत ही स्मॉल केसेस क्रिमिनल केसेस देखता था लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए ठीक है तो यहाँ इसकी जो वैल्यू है वो देखिए यहाँ पे लिखा है फाइव जेफ्रंस ठीक है तो जेराफिन्स फाइव जेराफिन्स जो है वो है फोर रुपीज़ के बराबर ठीक है तो क्रिमिनल केस की जो वैल्यू है वो फोर रुपीज़ के बराबर होनी चाहिए वही केस जो है ये डिवीज़न केस जो है वो देखेंगे ठीक है और अगर सिविल केस है तो सिविल केस में जो आप देखो यहाँ पे 200 हंड्रेड लिखा हुआ है ठीक है तो 200 हंड्रेड जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर है 150 हंड्रेड के बराबर है तो सिविल केस की जो वैल्यू 150 ये देखते थे बट क्रिमिनल केस बहुत स्मॉल केसेस देखते थे जिनकी फ़ोर रुपीस वैल्यू होती थी तो आप डिवीज़न कोर्ट में आप देखो कि कौन प्रिसाइड करता है कस्टम ऑफिसर प्रिसाइड करता है यहाँ पे जो डिवीज़न है उसमें एक डिवीज़न में कितने जजेस रहेंगे टोटल फाइव जजेस रहेंगे ये कोरम कैसे कंप्लीट होगा तो टोटल थ्री जजेस रहेंगे तो इस कोर्ट का कोरम कंप्लीट होगा एंड यहाँ पर जो वैल्यू है केस की वो क्रिमिनल केस की कम है ठीक है जेराफिन जो है वो एक कर इसकी जो वैल्यू है जो वर्ड है ये रुपीज से किया गया है कनेक्ट तो फाइव ज़राफिनस जो लिखा है अबाउट रुपीज़ फोर ठीक है और यहाँ पे टू हंड्रेड ज़राफिनस जो लिखा है वो वन हंड्रेड फिफ्टीज के बराबर है तो ये हो गया अब हम लोगों को नेक्स्ट पॉइंट देखना है आपने ये डिवीज़न कोर्ट देख लिया तो इस डिवीज़न कोर्ट का अपीलेट कोर्ट कौन सा है तो गवर्नेंट काउंसिल हु एज अ सुपीरियर कोर्ट हियर अपील्स फ्रॉम द डिवीज़न कोर्ट्स ठीक है ये इस टाइम पे सुपीरियर कोर्ट की तरह वर्क कर रहा है गवर्नमेंट काउंसिल कब इस्टैब्लिश हुआ 1661 में इस्टैब्लिश हुआ था ठीक है और ये इस टाइम पे सुपीरियर कोर्ट की तरह वर्क कर रहा है और ये अपील सुन रहा है जो डिवीजन कोर्ट्स हैं उनकी ठीक है एंड ये दोनों इसके पास पावर है इट हैड बोथ ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूडिडिक्शन ठीक है जो ओरिजनल भी है और एपिलेड ज्यूडिक्शन भी है इसके पास ठीक है और जो दूसरी चीज़ है कि अगर सीरियस केसेस हैं इसके पास पावर तो है ओरिजिनल भी और एपिलेट भी लेकिन अगर कोई सीरियस केसेस आता है तो ये किसके हेल्प से सॉल्व करेगा तो ये जूरी के हेल्प से सॉल्व करेगा ठीक है एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर टोटल जो है हम लोग थ्री कोर्ट्स देखेंगे ठीक है टोटल थ्री कोर्ट्स कौन कौन से कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एंड कोर्ट ऑफ कंसाइंस एंड कोर्ट ऑफ अपील्स ठीक है तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में देखिए कि द फर्स्ट कोर्ट ठीक है और यहाँ पर जो है वो हैं जॉर्ज विल कॉक्स जॉर्ज विल कॉक्स ठीक है फर्स्ट कोर्ट विथ जॉर्ज विल कॉक्स एज द जज हियर ऑल केसेस सिविल क्रिमिनल ठीक है सारे केसेस जो हैं ये सुनते थे और यहाँ पर इन्होंने और ये अगर आप आगे जैसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप देख पाओगे कि जो जॉर्ज बिल कॉक्स कॉक्स हैं जॉर्ज बिल कॉक्स ठीक है ये एज अ जज जो काम कर रहे हैं ये यहाँ के सारे डेवलपमेंट भी इनके अंडर में बहुत अच्छे से होगा ठीक है इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बॉम्बे के जुडिशियल uh, डेवलपमेंट में ठीक है और ये सारे केसेस सुनेंगे सिविल uh, भी क्रिमिनल भी टेस्टामेंट से रिलेटेड है वो भी तो सारे केसेस ये सुनेंगे और ये कोर्ट जो है जो है वीक में केवल और केवल जो है वन टाइम जो है वो वर्क करता था और वो भी सिविल मैटर ठीक है कि वन टाइम ये कोर्ट जो है वो वर्क करता था पूरे वीक में और कौन सा मैटर देखता था सिविल मैटर सिविल मैटर के लिए पूरे वीक में ये कोर्ट एक दिन वर्क करता था ठीक है और दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो फीस है सिविल केसेस की वो फिक्स थी फाइव परसेंट ठीक है तो इस कोर्ट की फ़ीस जो है ये यह, यहाँ पर सिविल केस के लिए फाइव परसेंट फीस जो है वो फिक्स थी सिविल केस के लिए और सेम अगर हम क्रिमिनल केस के लिए देखें ठीक है तो ये मंथ में एक बार वर्क करता था सिविल के लिए वीक में एक बार ये बैठता था और क्रिमिनल uh, के लिए मंथ में एक बार वर्क करता था और इसके पीछे जो रीज़न है मैं आपको बताऊँ कि ब्रिटिशर्स जो हैं क्रिमिनल केसेस में कम इंटरेस्ट लेते थे सिविल केसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ठीक है तो और आप इन चीज़ों से भी समझ सकते हो तो यहाँ पर जो आप दूसरी चीज़ देख सकते हो कि जो सिविल केसेस हैं क्रिमिनल केसेस सॉरी तो यहाँ पे देखिए द कोर्ट सेट वंस इन अ मंथ टू डिसाइड क्रिमिनल केसेस फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पे महीम है ठीक है मझगाँव है और सायन है ठीक है तो यहाँ पर क्रिमिनल केसेस के लिए बॉम्बे को डिवाइड किया गया था फोर सेक्शंस में ठीक है और ये जो सेक्शंस हैं वो आपने देख लिया ठीक है तो इस तरीके से जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है वो वर्क करता था यहाँ पे कौन जज है तो जज हैं जज हैं जॉर्ज बिलकॉक्स ठीक है नेक्स्ट कोर्ट देखेंगे कोर्ट ऑफ कंसाइंस कोर्ट ऑफ़ कंसाइंस जो है वो भी जो यहाँ पे जो जज हैं वो भी विलकॉक्स ही देख रहे हैं ठीक है वॉज ऑल्सो प्रिसाइडेड ओवर बाई विल कॉक्स और यहाँ पर ये कोर्ट जो है द को कोर्ट ऑफ कंसाइंस ये क्यों जाना जाता था क्यों फेमस था क्योंकि ये बहुत जल्दी डिसीज़न देता था ठीक है और छोटो छोटे जो केसेज हैं उनका तुरंत डिसीजन सुनाने के लिए ये फेमस था द कोर्ट ऑफ कंसाइंस और आप देख सकते हो कि कोर्ट ऑफ़ कंसाइंस में भी जो है वो सिविल केसेज जो छोटे सिविल केसेज होते थे तुरंत उनका डिसीजन दिया जाता था और उसकी वैल्यू जो है वहाँ यहाँ पर ट्वेंटी ज़ेराफिंस रखी गई है ठीक है ट्वेंटी ज़ेराफिंस और इस कोर्ट में जब दो कोर्ट ऑफ कंसाइंस हैं इसमें ज्यूरी अटैच नहीं थे ठीक है वहीं पे जब आपने यहाँ देखा था कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर तो यहाँ पे ज्यूरी के ज्यूरी की हेल्प ली जाती थी बट द कोर्ट ऑफ कंसाइंस में जूरी की हेल्प नहीं ली जाती थी ठीक है लास्ट कोर्ट जो है एपिलेट कोर्ट वहाँ पर देखिए गवर्नेंट काउंसिल है गवर्नेंट काउंसिल जो है ये अपीलीय कोर्ट है जो भी कोर्ट यहाँ पर आपने ऊपर दो कोर्ट देखे कोर्ट ऑफ कंसाइंस एंड कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इन दोनों की अपील जो है ये गवर्नमेंट काउंसिल सुनता था ठीक है और यहाँ का जुडिशियल सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था लेकिन जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब जॉर्ज विलकॉक्स की डेथ हो गई ठीक है इसलिए उनकी डेथ के बाद से कम्प्लीटली यहाँ पर जो है आप देखो कि जो फर्स्ट स्टेज है बॉम्बे का वो धीरे धीरे जो है वो अच्छे से वर्क करना बंद कर दिया ठीक है और यहाँ पर अब जो है वो सेकेंड स्टेज शुरू हो जाएगी जॉर्ज विलकॉक्स के डेथ के बाद ठीक है तो सेकेंड स्टेज का जो टाइम पीरियड है 1684 टू 1693 है ठीक है यहाँ पर हैं डॉक्टर जॉन सेट जॉन जो यहाँ पे एज अ जज एडवोकेट ये अपॉइंट किए गए थे डॉक्टर सेंट जॉन ठीक है और यहाँ पे ये कौन कौन से केसेस देखते थे तो ऑल केसेस सिविल क्रिमिनल एडमिलटी ठीक है ये सारे केसेस ये डील करते थे डॉक्टर्स जॉन्स एंड तो बॉम्बे यहाँ पर जो है जो आप सेकेंड फेज देख रहे हो ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाया था क्योंकि यहाँ जो आइसलैंड है इस पर अटैक कर दिया था मुगल एम्प्रर के सिद्ध ने सिद्ध एडमिरल ने और जब यहाँ अटैक कर दिया था तो बहुत टाइम तक इस पर खुद को ख़ुद के कंट्रोल में रखा है इसको इसलिए जो सेकंड फेज़ है वो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था और इसकी जो सेकंड फ़ेज़ का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा जो है अनसर्टेनिटी दिखती है सेकेंड फेज़ में एंड थर्ड फेज जो हम देखते हैं यहाँ पर जो जुडिशल प्लान है सेकेंड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ बॉम्बे एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जुडिशल प्लान बनाए गए थर्ड फ़ेज़ में ठीक है थर्ड फेज़ जो है इसमें एक चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया साथ में नाइन अदर जजेस अपॉइंट किए गए साथ में कुछ इंडियन जजेस भी अपॉइंट किए गए ताकि जो वहाँ की कम्युनिटीज़ है जैसे हिंदू हैं आइसलैंड पे मुस्लिम हैं और क्रिश्चियन है पारसी हैं इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है पॉइंट किया गया था और ये सारे केसेस जैसे कि सिविल केसेस हैं क्रिमिनल केसेस हैं सारे केसेस ये डील करते थे और ये कोर्ट जो है ये भी वीक में एक टाइम पे वर्क करता था ठीक है और इसका भी जो पर्पस था वो तुरंत जस्टिस देने का था ठीक है और यहाँ पे प्रोविज़न था जूरी तो, का जूरी ट्रायल का यहाँ पे प्रोविज़न था एंड uh, यहाँ का जो पनिशमेंट है वो वेरी uh, मतलब यहाँ के पनिशमेंट जो है कहा जाता है कि बहुत स्ट्रिक्ट थे और uh, जो रिलेशनशिप है ऑफिसर्स uh, से वो भी बहुत अच्छी नहीं थी ठीक है तो और जो जुडिशियल सिस्टम है आप यहाँ पे uh, देख सकते हो कि जो बॉम्बे है वहाँ का जुडिशल सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब आप जुडिशली की अगर बात करो तो बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता है ठीक है यहाँ पे नेचुरल जस्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ लॉ में दोनों में बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं ठीक है थीके? आप कह सकते हो कि लोगों का रिस्पेक्ट भी नहीं था नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के लिए एंड ये था आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो टोटल थ्री स्टेजेस में इसका मेन जो फर्स्ट स्टेज है बहुत अच्छे से वर्क किया क्योंकि यहाँ पे जॉर्ज विलकॉक्स थे और उनकी डेथ के बाद से सेकेंड स्टेज शुरू होता है और सेकेंड स्टेज के टाइम पे जो है वो आ, आप देख सकते हो कैसे मुगल एम्पर का जो एडमिरल है उसने अटैक कर दिया था और कुछ टाइम पर बॉम्बे उसी के कंट्रोल में रहा इसलिए भी वहाँ का जुडिशल सिस्टम अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाया था थर्ड स्टेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत से जुडिशियल प्लान बनाए गए बहुत अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे बहुत से जजेस अपॉइंट कर दिए गए थे चीफ जज और अदर नाइन जजेस इंडियंस और हिंदू मुस्लिम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पारसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत से रिफॉर्म भी देखने को मिलते हैं थर्ड स्टेज में बट फिर भी ये केस बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाता था और पनिशमेंट भी बहुत जो है वो हार्श थी यहाँ की और जो ऑफिसर्स हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छी नहीं थी एंड नेक्स्ट यहाँ पे जूरी की हेल्प से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती थी और लास्ट पॉइंट ये है कि लोगों का जो बिलीव है जो रिस्पेक्ट है वो नेचुरल जस्टिस और प्रिंसिपल्स लॉ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के लिए नहीं रह गया था नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कलकत्ता प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सबसे पहले ज़मींदार की बात होगी क्योंकि यहाँ पे जो ज़मींदार हैं वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं और उनसे कंपनी जो है वो कलेक्ट करती है तो कंपनी एट कलकत्ता नॉट ओनली कलेक्टेड रेवेन्यू बट ऑल प्रॉब्लम्स एंड जस्टिस एंड ऑल मैटर्स जो है उनसे रिलेटेड्स uh, जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है लाइक like, सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू ठीक है प्रॉपर्टीज से रिलेटेड सेटलमेंट से रिलेटेड ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये सॉल्व करते हैं तो कंपनी केवल और केवल यहाँ पर रेवेन्यू नहीं सारे मैटर्स में इंटरफेयर कर रही है स्टार्टिंग से ही आप देख सकते हैं कि सिविल क्रिमिनल रेवेन्यू रेवेन्यू ठीक है सारे पॉइंट्स ये यह यहाँ पर देख रहे हैं द इंग्लिश कलेक्टर हु कलेक्ट द रेवेन्यू ठीक है एंड वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रहा है जो कलेक्टर है और साथ में डिसाइडेड सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स ठीक है साथ में सिविल एंड क्रिमिनल डिस्प्यूट्स भी सॉल्व कर रहा है और ये इसका अपने जरूडिक्शन के अंडर में रह के और यहाँ पर जो इंग्लिश मैन हैं जो कलेक्टर uh, है वो सॉल्व करते हैं जैसे जो भी छोटे सिविल केसेस होते हैं वो सिविल केसेस एंड आप कह सकते जो छोटे केसेस होते हैं वो सॉल्व करते थे और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो पावर रह जाती थी मतलब कलेक्टर के अलावा जो पावर या जो केसेस रह गए वो सॉल्व किए जाते थे गवर्नमेंट काउंसिल के थ्रू कब चार्टर ऑफ सिक्सटीन सिक्सटी वन ठीक है नेक्स्ट प्रोविज़न हम लोग इसमें देखेंगे जुडिशल प्लान सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स ठीक है सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स से पहले अगर हम कलकत्ता की प्रेसिडेंसी को देखें तो यहाँ पर बहुत ही Uh, जो है वो लॉज uh, जो है एक तरीके से नहीं बने हुए हैं ठीक है और उसमें भी बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी देखी जाती है और आप कह सकते हो कि यहाँ पर uh, जो लॉज हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी uh, नहीं है ठीक है और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि यहाँ पर आपने देखा कि मैं ये बताती कि थी कि 1726 से पहले यहाँ का लॉ किस तरीके से वर्क कर रहा है ठीक है लेकिन अगर कंपनी जो है बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही थी ग्रोथ कॉमर्शियल ग्रोथ कर रही थी तो जब ट्रेडिंग कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही है तो और उसकी प्रेसिडेंसीज भी उसके वर्क भी सारे बहुत तेज़ी से आप देख रहे हो किस तरीके से बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और कंपनी सेटलमेंट्स uh, में तो इससे क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई ठीक है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है वो जॉर्ज फर्स्ट ने 24 सितंबर 1726 को एक चार्टर पास किया उस चार्टर के थ्रू या आप कह सकते हो कि उस चार्टर को द फर्स्ट जुडिशल चार्टर कहा गया है 1726 को क्यों कहा गया है क्योंकि इस चार्टर के थ्रू हर प्रेसिडेंसी में मतलब टोटल थ्री प्रेसिडेंसी हैं मैंने आपको बताया इन तीनों प्रेसिडेंसी में कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश होगा ठीक है मेयर कोर्ट इस्टैब्लिश होंगे ये यहाँ पर डिसाइड किया गया दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो कॉरपोरेशन इस्टबलिश होगा वो एज अ कॉरपोरेशन में कौन होता है जो मुंसिपल uh, कॉरपोरेशन होते हैं जो नगर निगम होते हैं वहाँ पर आज भी इलेक्शन होता है और आपको पता है मेयर सेलेक्ट होते हैं तो ये कोई मेयर कोर्ट अलग से नहीं है ये जो कॉरपोरेशन में जो इलेक्शन हो रहा है जो मेंबर हैं वहाँ पे जो मेयर है उसके पास क्योंकि वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते थे और जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे सब कुछ यही देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं अपनी जो प्रॉब्लम है जो डिस्प्यूट है वो भी इनके पास लेके जाएं और इस तरीके से लोग अपनी प्रॉब्लम कॉरपोरेशन के जो मेयर्स हैं उनके पास लेके जाने लगे थे और इसलिए ये मेयर कॉरपोरेशन का मेयर ही मेयर कोर्ट में कन्वर्ट हो गया था ठीक है तो ये दो चार्टर में आप देख रहे हो कि कहा गया कि हाँ हर प्रेसिडेंसी में कॉरपोरेशन इस्टैब्लिश किया जाएगा एंड मेयर कोर्ट भी इस्टैब्लिश किया जाएगा मींस कि मेयर का कोर्ट भी होगा जहाँ पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ठीक है इसमें कितने मेम्बर होंगे तो एक मेयर एंड नाइन एल्डरमैन होंगे और जो सेवन एल्डर मैन होंगे इन नाइन में से जो सेवन एल्डर मैन होंगे उनका ब्रिटिश होना ज़रूरी है बर्थ से ठीक है और जो मेयर होंगे उनका ऑफ कोर्स मेयर और जो सेवन एल्डर मैन वो टोटल जो है वो ब्रिटिशर्स uh, ही होने चाहिए ठीक है और यहाँ पर जो फर्स्ट अपील है वो गवर्नमेंट काउंसिल को जाएगी और अगर सेकेंड अपील जो है थाउ थाउजेंड पगोड़ा से ज़्यादा है या उस केस की वैल्यू तो ये डायरेक्ट किंग इन काउंसिल में भी जा सकता है फोटीन डेज के अंदर तो ये प्रोसेस था सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स का ऐसे ही चार्टर ऑफ सेवेंटीन फिफ्टी थ्री हम देखते हैं कि यहाँ पर जब सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स का चार्टर आया और गवर्न काउंसिल पहले से वर्क कर रही है और सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स का चार्टर जो है वो क्राउन का चार्टर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कोर्ट इस्टेब्लिश होगी वो क्राउन की कोर्ट कही जाती थी तो इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा क्योंकि आप देखो गवर्नमेंट काउंसिल के पास भी सिविल पावर है 1726 ट्वेंटी सिक्स के चार्टर के थ्रू जो मेयर कोर्ट इस्टैब्लिश हो रहा है उसके पास भी सिविल पावर है तो बहुत से ऐसे केसेस में मेयर कोर्ट जो है वो कंसर्न नहीं करता था गवर्नमेंट काउंसिल से तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया पावर को जुरुडिक्शन को लेके तो चार्टर ऑफ सेवनटीन uh, आया ठीक है तो जो ये थोड़ा सा मोडिफाइड फॉर्म में आया है जो सेवनटीन फिफ्टी थ्री का चार्टर है और यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दी गई कि अब जो मेयर कोर्ट है वो सबॉर्डिनेट होगा किसका गवर्नेंट काउंसिल का ताकि आपको क्लियर रहे कि आप सबॉर्डिनेट हो आपको ऑर्डर फॉलो करना है ठीक है तो सेवनटीन फिफ्टी थ्री से ये ला दिया गया था कि वो सबॉर्डिनेट हैं और कौन मेयर कोर्ट किसका गवर्नेंट काउंसिल का ठीक है तो अब सबॉर्डिनेट हो गए और जो एल्डर मैन है उनको कौन अपॉइंट करेगा गवर्नेंट काउंसिल अपॉइंट करेगी तो इस तरीके से आप देखिए कि जो पावर है वो हैंडओवर कर दी गई गवर्नेंट काउंसिल के पास हाँ और अगर कोई डिस्प्यूट होता है सिविल मैटर में तो दोनों पार्टीज अगर, अगर अग्री हैं तो वो केस जो है वो मेयर कोर्ट सुनेगा वरना गवर्नेट काउंसिल ही सुनेगी ये पावर ठीक है तो इस तरीके से ये चीज़ें आपने देख ली कि क्या 1773 के थ्रू जो हम लोगों को जो प्रोविज़न मिले और साथ में एक न्यू कोर्ट इस्टैब्लिश किया गया था वो कौन सा कोर्ट था रिक्वेस्ट कोर्ट ठीक है ये आप 1753 के चार्टर में पढ़ चुके तो जो रिक्वेस्ट कोर्ट कोर्ट है वो जो टोटल थ्री प्रेसिडेंसीज हैं वहाँ पर भी इस्टेब्लिश किया गया था ठीक है न्यू कोर्ट देखिए कॉल द कोर्ट ऑफ रिक्वेस्ट वॉज क्रिएटेड एट ईच प्रेसिडेंसी टाउन ठीक है और ये जो कोर्ट uh, है रिक्वेस्ट कोर्ट ये कैसे केसेस uh, को सॉल्व करता था जो बहुत ही uh, आप कह सकते हो कि बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही छोटे केस को तुरंत जजमेंट देने का इसका काम था कि uh, इसीलिए इसको किया गया था कि जो लोग छोटे छोटे केस को लेके बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इस रिक्वेस्ट कोर्ट के थ्रू वो जल्दी से जो है वो उनको डिसीजन और जजमेंट मिल जाएगा और उनका केस भी सॉल्व हो पाएगा ठीक है दूसरी चीज़ यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी मीन्स की जो रिक्वेस्ट कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था प्रेसिडेंसी में वो कितनी उसकी वैल्यू क्या थी वो कितनी वैल्यू के, के केस को देख सकता था तो, तो फाइव वगोड़ाज की वैल्यू थी उसके केस की ठीक है एंड ये रिक्वेस्ट कोर्ट था और आप जो देख रहे हो 1753 के थ्रू लाया गया 1753 में क्लियर कर दिया गया कि जो 1726 का मेयर कोर्ट है वो तीनों प्रेसिडेंसी में था इसलिए आप कलकत्ता में इसको पढ़ रहे हो ठीक है तो वो किसके अंडर में हो गया सबऑर्डिनेट हो गया गवर्नेंट काउंसिल का और लास्ट जो है कोर्ट फॉर नेटिव्स ठीक है यहाँ पे जो सेवन ऊपर आपने दो देखा सेवनटीन फिफ्टी थ्री का चार्टर एंड सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स का चार्टर उससे क्या रियलाइज़ हुआ एक्चुअली सेवनटीन ट्वेंटी सिक्स का चार्टर जब आया था तो उसमें टोटली इंग्लिश लॉ से गवर्न करने की बात की गई थी तो यहाँ पर जो नेटिव्स हैं वो उनको इग्नोर किया जा रहा था उनके कस्टम या उनकी तरह उनकी चीज़ों के अकॉर्डिंग उनको जजमेंट देने के लिए ठीक है तो जो नेटिव्स हैं वो ये फेस कर रहे थे कि वो अपने ज्यूरिडिक्शन में नहीं है या अपने ज्यूरिडिक्शन के अकॉर्डिंग उनको जजमेंट या पनिशमेंट नहीं मिल रही है ठीक है तो जो यहाँ पर गवर्नमेंट है कलकत्ता में वो ये डिसाइड ये सोच रही है कि जो रिक्वेस्ट कोर्ट है क्योंकि आप देख रहे हो जो रिक्वेस्ट कोर्ट है वो फाइव पगोडास के वैल्यू के केसेस को सॉल्व कर रही है ठीक है तो यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट है प्रेसिडेंसी टाउन्स की वो नेटिव के लिए सोच रही है कि किस तरीके से जो है एक पॉलिसी लाई जाए जिसमें नेटिव के अकॉर्डिंग जो नेट जिनका जो कस्टम है उनके अकॉर्डिंग जो है वो पनिशमेंट या जजमेंट दिया जाए उनके लिए भी सोचा जाए ये अब कलकत्ता की गवर्नमेंट सोच रही है ठीक है तो आ, इन्होंने सोचा ऐसा और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर रहे थे और जिस तरीके से आप मद्रास में देखें बॉम्बे में इतना जुडिशल डेवलपमेंट हुआ लेकिन लास्ट में आपने देखा कि लोगों का बिलीव नहीं रह गया नेचुरल जस्टिस के प्रति तो वैसे ही यहाँ पर भी है सेम कलकत्ता में भी क्योंकि जो नेटिव्स हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ठीक है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए लास्ट में जो आप देखें कि जो ये सेवनटीन का चार्टर है वो रिक्वेस्ट कोड इस्टेब्लिश किया था इसी चीज़ के लिए ताकि जो लोग हैं वो ईज़ली जो हैं वो अपने जुडिशियल जो प्रोसेस है उसको सॉल्व कर पाएँ ठीक है Uh, लेकिन uh, फिर भी ये बहुत सक्सेस uh, नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ जो केस की वैल्यू दी गई थी वो केवल और केवल फाइव पगोड़ाज दी गई थी जो बहुत कम थी ठीक है और इससे ज़्यादा के केसेस अगर आते हैं तो उनको सेवन मेयर कोर्ट जाना पड़ता था गवर्नमेंट काउंसिल जाना पड़ता था बहुत से प्रोसेस थे ठीक है तो इस तरीके से और नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स अपॉइंटेड इन सेवेंटीन ठीक है जो हाउस ऑफ़ कॉमन्स है उसने अपॉइंट किया ठीक है एक कमेटी वो क्या करेगी वो रिव्यू देगी कि जो जुडिशरी इंडिया में इस्टेब्लिश है क्या वो कैसे वर्क कर रही है ठीक है तो जो यहाँ पर आ, रिपोर्ट तैयार की गई वो ये तैयार की गई कि यहाँ पर बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर ठीक है इसलिए यहाँ के जुडिशरी में रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है देन जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट इस्टैब्लिश करने की बात की गई इन 1774 में तो कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट इस्टैब्लिश होगा ठीक है और किस एक्ट के थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू और जो हाउस ऑफ कॉमन्स ने जो कमेटी अपॉइंट की वो कब की सेवनटीन में उसने कमेटी अपॉइंट की फिर 1773 में जो है इस कमेटी ने अपना टू में रिपोर्ट दिया एंड 1773 में जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ और जिसमें सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करने की बात कही गई थी तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हुआ कलकत्ता में एंड मद्रास में ठीक है स्टूडेंट्स तो आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू